तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हुलूल जहेज कंपनी के नए अपडेट के बारे में। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो पे बने रहना लास्ट तक, तभी आपको पता चलेगा कि कंपनी में क्या चल रहा है, क्या नया अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपडेट के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूँ आपको, जो कि इस कंपनी में काम कर रहे हैं रियाद में, जद्दा में, दमाम में, मक्का में, जितने भी ड्राइवर इस कंपनी में काम कर रहे हैं जहेज फूड डिलीवरी में, वो उन सभी को अब परेशानी होने वाली है। वो परेशानी क्या होने वाली है उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस, इस कंपनी का नया अपडेट ये है कि जितने भी ड्राइवर इस कंपनी में काम कर रहे हैं और जो मेरे भाई आना चाहते हैं इस कंपनी में, जहेज फूड डिलीवरी में आना चाहते हैं, तो उन सब को भी पता होना चाहिए कि इस कंपनी में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, इस कंपनी में जो बेसिक सैलरी है 1400 सैलरी है और प्लस 200 खाने के मिलते हैं, तो 1600 सैलरी पूरी फिक्स है, इसमें फिक्स थी। लेकिन अभी क्या हुआ है, 1600 सैलरी ना दे के कंपनी 390 डिलीवरी का टारगेट मांग रही है। और जितने भी ड्राइवर अभी काम कर रहे हैं इस कंपनी में, तो 390 ऑर्डर अगर ये कंप्लीट करते हैं तो इनकी 1600 सैलरी पूरी आएगी, और अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं करते हैं तो कंपनी ने ये रूल लागू कर दिया है इस टाइम के, जो भी बंदा 390 डिलीवरी से नीचे करेगा उसके 4 रियाल पर डिलीवरी के पैसे कटेंगे। तो भाई, जितने भी मेरे भाई इस कंपनी में काम कर रहे हैं और आने की सोच रहे हैं, इंडिया से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, कहीं से भी आने की सोच रहे हैं, तो भाई इस कंपनी का रूल अभी चेंज हो गया है। इस कंपनी का रूल ये है कि जो भी भाई इस कंपनी में अभी काम कर रहा है उसको पता होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, इस कंपनी में 1400 प्लस 200 सैलरी है और टारगेट इस कंपनी का 340 था, लेकिन अभी बढ़ा के 390 कर दिया गया है। तो 390 अगर आप टारगेट पूरा कंपनी का करके देते हो तो बहुत बढ़िया है, 1600 सैलरी मिलेगी। उससे ज़्यादा करोगे तो 10 रियाल पर डिलीवरी के मिलेंगे। तो ये तो उसमें था, अभी भी है, लेकिन अभी क्या है, अगर 390 डिलीवरी नहीं होगी तो उसके नीचे जितनी भी होगी उस हिसाब से आपकी सैलरी कटेगी। अब कटनी चालू हो गई है भाई, जितने भी भाई देख रहे हैं इस वीडियो को, तो इस कंपनी में देख रहे हैं, उन सभी को पता होगा कि किसकी कितनी कट के आई है सैलरी। तो अगर मान लीजिए आपने महीने में 200 डिलीवरी किया है तो 200 के हिसाब से ही मिलेगा आपको पैसा, 4 रियाल पर डिलीवरी का आपको पैसा मिलेगा। और आप जोड़ लीजिए कि कितना पैसा होता है, 4 × 8 800 रुपये, उसमें खाना अपना है, ठीक है जी, रहना कंपनी का है, कोई मसला नहीं है। जितने भी ड्राइवर भाई काम कर रहे हैं उन सभी को पता होगा कि काम करते टाइम मुखालफा भी आ जाता है, सब कुछ आ जाता है भाई, रोड पे चलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप 1200 रियाल कमाएंगे इस कंपनी में, तो अगर बाय चांस मान के चलो आपके पास एक मुखालफा आ गया, तो आप तो यहीं के रह जाओगे भाई। तो नया जो नया कंपनी का अपडेट है ना, ये बहुत ही बेकार है। जो 1600 सैलरी फिक्स किया गया था वो 1600 सैलरी आपको नहीं मिलेगा। अगर 390 डिलीवरी आप करके दोगे कंपनी को, तब आपके अकाउंट में 1600 रियाल आएंगे। अगर आप इस कंपनी को 390 डिलीवरी करके नहीं देते हो तो आपके पैसे कट के आएंगे, ठीक है जी। ये अपडेट है इस कंपनी का कि अब कंपनी ने सैलरी काटना शुरू कर दिया है, 390 डिलीवरी पे आपको 1600 रियाल मिलेंगे, 390 से नीचे करोगे तो कटेंगे। बहुत लोगों के इस कंपनी में पैसे कट के आए हैं, जिन्होंने 390 से नीचे किया हुआ था उनके पैसे कट कट के आए हैं। किसी की 70 रियाल आई है, किसी की 80 रियाल आई है, किसी की 200 रियाल आई है, किसी की 500 रियाल सैलरी आई है, इस तरह से इस कंपनी में अभी सैलरी आई है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ड्राइवर थे 1600 फिक्स सैलरी थी, लेकिन अब वो फिक्स सैलरी नहीं रही है भाई, अब पैसे कट के आएंगे। अगर आप मान लीजिए 390 से ज़्यादा मार रहे हो डिलीवरी, तो फिर तो अच्छी बात है, आप पैसे ज़्यादा कमा सकते हो भाई। पर डे डिलीवरी अगर आप 15-20 मार रहे हो तो अच्छी बात है,
आप पैसे कमा लोगे, 2000 2000 2500 2000 2500 तक का एवरेज आ जाएगा। वो ड्राइवर बढ़िया है जो 20 से 25 डिलीवरी अगर यहाँ पे मार रहा है तो वो अच्छा है। अभी मक्का में क्या हो रहा है, मक्का में लो जितने भी ड्राइवर है 5 सेकंड पहले का तो यहाँ पे चालू नहीं है, तो इसीलिए जितने भी ड्राइवर हैं यहाँ पे 10 12 10 12 10 9 8 9 10 ऐसे डिलीवरी मार रहे हैं, तो उन सभी भाइयों का तो नुकसान है, क्योंकि महीने में तो पैसे इतने आएंगे नहीं, क्योंकि ऑर्डर ही नहीं लग रहे हैं। 5 सेकंड पहले का यहाँ पे चालू नहीं है तो ऑर्डर ज़्यादा नहीं लगेंगे, तो वो पैसे कहाँ से कमाएंगे। एक भी मुखालफा आ गया तो वो परेशान ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बहुत लोग इस कंपनी में जो अभी तक काम कर रहे थे वो यहाँ से जाने वाले हैं घर, क्योंकि अब उनका गुजारा नहीं चलेगा। भाई 800 1000 रियाल में कौन काम करना चाहेगा, आप ही बताओ। आप 800 1000 रियाल में काम करोगे? नहीं करोगे ना, उसमें खाना भी अपना होगा, तो क्या बचेगा, क्या बचाएगा आदमी। तो यही है, अगर आप जद्दा में हो, दमाम में हो, या फिर रियाद में हो, आप अच्छा खासा डिलीवरी मार रहे हो, 20 से 25 डिलीवरी अगर आप कंटिन्यू मार रहे हो तो अच्छी बात है आपके लिए, आपकी सैलरी बढ़ के भी आएगी, 10 रियाल पर डिलीवरी के मिलेगे। 390 कंपनी का टारगेट, तो उसके ऊपर अगर आप ज़्यादा मारोगे तो आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। जो भाई 390 भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो भाई आप अपनी कमर बांध लो, क्योंकि आप घर जाने वाले हो, आप घर जाने वाले हो, आपकी इतनी सैलरी नहीं आएगी। आप अगर 390 की डिलीवरी नहीं मारोगे, उससे नीचे मारोगे, तो जाहिर सी बात है आप पैसे नहीं कमा पाओगे, और पैसे नहीं कमाओगे तो आपको कोई फायदा नहीं है यहाँ रहने का, है ना। क्योंकि हर आदमी यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आया हुआ है। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, यही अपडेट था जहेज फूड डिलीवरी के बारे में, जो कि मैं आपको बताना चाहता था। अगर आप इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से भी आप आने की सोच रहे हैं इस कंपनी में, तो आपकी मर्जी है। बाकी अभी का अपडेट जो है वो यही था कि अब इस महीने से सैलरी काटना शुरू कर दिया है कंपनी ने। कंपनी सैलरी काट रही है, 390 से नीचे जो भी करेगा उसकी सैलरी कटेगी, 390 से ऊपर जो करेगा उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो जैसे पहले था 1600 सैलरी, आप 10 मारो और 9 मारो, टारगेट पूरा करो ना करो, तो 1600 सैलरी आ रही थी, लेकिन अभी वो सैलरी आना बंद हो गई है बिल्कुल, क्योंकि अभी सैलरी कंपनी काटना शुरू करेगी, शुरू कर दिया है। बहुत लोगों की जद्दा में, बहुत लोगों का मक्का में, बहुत लोगों का ड्राइवरों का जो है सैलरी कट के आया है। तो इसीलिए अब चौकस हो जाइए आप, ठीक है। आपको जो करना आप कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो